हाय फ्रेंड्स, आज लंदन में हुए रॉ 8 मई 2017 के दौरान रोमन स्ट्रेंज ने आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अचानक अटैक कर दिया। इस दौरान उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के कंधे पर लगातार एक के बाद एक वार करे। आखिर में ब्रॉन स्ट्रोमैन फैंस के बीच से निकलकर भाग गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन को वास्तव में चोट लगी है। उनको लगी चोट किसी भी स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है, इस कारण ब्रॉन स्ट्रोमैन को कुछ समय के लिए रिंग से दूर रहना पड़ सकता है। प्रो रेसलिंग शीट के मुताबिक ब्रॉन स्ट्रोमैन को कोहनी में दिक्कत है। हालांकि ये नहीं पता कि उनकी चोट कितनी सीरियस है, क्योंकि उन्हें लाइव इवेंट्स में हिस्सा लिया था। इस चोट को ठीक करने के लिए हल्का ऑपरेशन भी कराया जा सकता है। ऐसे में ब्रॉन स्ट्रोमैन को 4 से 8 हफ्तों के लिए रिंग से दूर रहना पड़ सकता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन की मौजूदा हालत को देखते हुए लग रहा है कि एक्सट्रीम रूल और WWE के पहले PPV ग्रेट वॉल्स ऑफ फायर से भी बाहर होना पड़ सकता है। चोट के एंगल को देखते हुए लग रहा है कि वो वापस आकर रोमन रेंस के साथ फाइट जारी रखेंगे। पहले माना जा रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का सामना भविष्य में WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर के साथ हो सकता है, लेकिन अब चोट की वजह से WWE क्रिएटिव्स को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है। 4 से 8 हफ्तों तक बाहर रहने के कारण ब्रॉन स्ट्रोमैन को टाइटल पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंजरी अपडेट। स्पोर्ट्स से जुड़ी और भी खबरें चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।